पराठे हो या ब्रेड, सुबह का नाश्ता हो या रात का डिनर, सभी चीजों का स्वाद मक्खन और ज्यादा बढ़ा देता है। जब बात मक्खन की आए तो ज्यादातर लोगों की जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है अमूल बटर। और एक बार फिर से अमूल चर्चाओं का केंद्र बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी वाराणसी के दौरे पर है। ये डेयरी काशी को मिलने वाली बड़ी सौगातों में से एक है, जिसके बाद से अमूल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। लेकिन यूं ही भारतीय बाजार में अमूल का कब्जा नहीं बढ़ा, इसके पीछे लंबी कहानी है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अमूल ने लोगों के दिल में और साथ ही मार्केट में अपनी जगह बनाई। नमस्कार, मैं उमंग और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुजरात के एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी डेयरी कंपनी अमूल, यूं ही नहीं देश का सबसे बड़ा ब्रांड बनी। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्व तक अमूल का कब्जा है। आंकड़े खुद इसकी सफलता की कहानी कहते हैं। जिस तरह से मार्केट में इसने अपने पैर पसारे, आज वो सब जानते हैं। कैसे हुआ अमूल गर्ल का जन्म? मार्केट में अमूल के दूध से लेकर पनीर तक प्रोडक्ट्स रहे, लेकिन भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा अमूल बटर का कब्जा रहा। शुरुआती दौर में भारतीयों ने अमूल को पसंद नहीं किया था, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर पोलसन से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही थी। लोगों को पोलसन का मक्खन बहुत पसंद था, इसकी वजह थी उसके बनाने का तरीका। पोलसन यूरोपियन प्रक्रिया से मक्खन को तैयार करती थी और उसमें नमक का इस्तेमाल करती थी। अमूल के मक्खन में नमक नहीं होता था, इसलिए वो फीका लगता था। यहीं पर अमूल ने अपनी रणनीति को बदला और मक्खन में नमक को शामिल किया, जिसके बाद स्वाद में बदलाव आया। इस बदलाव को लोगों तक पहुंचाने के लिए अमूल गर्ल का जन्म हुआ, जिसके बाद अमूल का अटली बटली डिलीशियस विज्ञापन इतना पॉपुलर हुआ, फिर कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोगों के बीच बनाई जगह। किसी भी चीज को पॉपुलर करने के लिए सबसे बड़ा रोल मार्केटिंग का होता है। कंपनी ने हमेशा से ही अपने प्रोडक्ट की खूबियों को समझाने के लिए रोजमर्रा की चीजों से जोड़कर विज्ञापन जारी किया, जिससे लोग खुद से उसे जोड़ पाते थे। देश के हालात हो, भारतीयों की उपलब्धि हो या देश में बड़ा बदलाव, अमूल ने अपने विज्ञापनों से लोगों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। देश विदेश के मुद्दों पर दिलचस्प विज्ञापन बनाए और लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। अमूल ने हमेशा अपना फोकस मिडिल और लो क्लास तक प्रोडक्ट्स को पहुंचाने में रखा। कीमतें ऐसी रखी जो लोगों की पहुंच में हो। वीडियो में दी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।